आज हमारा 51st एनुअल डे सेलिब्रेशन है। इस ऑस्पिशियस ओकेजन में आप लोगों का यहाँ पधारना हमारा सौभाग्य है। एटलीस्ट चंडीगढ़ में होते हुए भी हम उस टाइप का पब्लिसिटी की, उस टाइप का न्यूज़ फ्लैश नहीं कर पाते हैं। दिस इज़ बिकॉज देर इज़ अ गैप बिटवीन द प्रेस एंड द इंस्टीट्यूट। तो ये रिचुअल्स कल्चर हम बना चुके हैं कि एटलीस्ट आप, मुझे मालूम है आप लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, हम लोग रिक्वेस्ट करने से भी कभी हर टाइम पॉसिबल नहीं होता है, बट एटलीस्ट एनुअल डे ऐसे एक फंक्शन है, ईयरली एक बार आप लोगों से हमारा रूबरू हो जाए तो एटलीस्ट यू विल नो व्हाट इज़ दिस इंस्टीट्यूट इज़ डूइंग। 1967 का बना हुआ है इंस्टीट्यूट, टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम में एक महारथी है। दे हैव गिवन लॉट ऑफ थिंग्स टू द एजुकेशन सिस्टम। आप चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, ये जोन का पार्ट होते हुए यू विल फील प्राउड जब इसका दिया हुआ गौरव गाथा सुनेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आप लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। एंड हम किस टाइप का डिफरेंट है, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, वी ऑफर कोर्स विच इज़ आउट ऑफ कोर्स। वी ऑफर कोर्स विच इज़ आउट ऑफ कोर्स, इट इज़ ट्रू, वी आर डिफरेंट। टुडे ऑनरेबल चेयरमैन AICT ही एडमिटेड दैट जितना भी इंस्टीट्यूट है आप एक डिफरेंट हो, एंड आपको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का साथ कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत फॉरम से में रहते हैं तो उनका कान में हमारा चंडीगढ़ गूंजता है, कहीं ना कहीं वो चंडीगढ़ सुनाई देता है उनको। एंड फ्रॉम हीज माउथ ही हैज टोल्ड दिस थिंग, दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर आवर इंस्टीट्यूट। एंड बींग ए डायरेक्टर आई रियली थैंक यू प्रोफेसर सहस्रबुद्धि हु वॉज गिवन दिस टाइप ऑफ बिग होप। प्रोफेसर तलवार आप लोगों के लिए नया नहीं है, आप तो और किसी को जानते कि नहीं जानते मुझे पता नहीं है, लेकिन इनको तो जानते हैं। एंड हम उस टाइप का ब्लेस्ड इंस्टीट्यूट है, ब्लेस्ड फैकल्टी है, वैक्स स्टाफ है, जिनको इनका बोर्ड चेयरमैन का कैपेसिटी में ब्लेसिंग मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव ए एमिनेंट पर्सनैलिटी लाइक हिम, ए पर्सनैलिटी ऑफ पावर एक्सलेंस, एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अनकम्पेरेबल डेप्थ एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जिसका उंगली का साथ हम इस इंस्टीट्यूट को आगे ले रहे हैं। एंड दिस इंस्टीट्यूट, लेट मी टेल यू सम USP इट हैज़ क्रिएटेड। आज का दिन में हमारा जो बिग चैलेंजेस है, दैट हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयबल स्टूडेंट, हाउ टू क्रिएट दो स्टूडेंट्स हु आर रेस्पॉन्सिबल टू दिस सोसाइटी वाइल मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ कल्चर। दिस इज़ वॉट अवर चेयरमैन ऑल्सो एड्रेस टूडे, दैट इन्श्योर दैट यू क्रिएट सम इनिशिएटिव, सम इनोवेशन, सो दैट आवर स्टूडेंट्स दे फॉलो ए गुड हेल्थ कल्चर। सो इन दिस रेस्पेक्ट दिस इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज ए फ्रंट रनर इन इनिशिएटिंग न्यू एक्शन। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, वी डोंट बिलीव इन बाइंग द लो हैवी कॉस्ट और हाई कॉस्ट इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी टू प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू दैट दिस इज अ सोल्यूशन। वी ऑलवेज ट्राई टू इनोवेट वेयर देर इज लो कॉस्ट सोल्यूशन, बिकॉज दिस कंट्रीज लिमिटेशंस आर नोन टू अस, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड टू दोज हाई कॉस्ट थिंग्स। सो दिस इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज एन इनोवेटर ऑफ दोज लो कॉस्ट एजुकेशनल सिस्टम एंड प्रोसेस। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, गूगल हैंगआउट, जो आप लोग स्काइप कोई भी यूज करते हैं, गूगल हैंगआउट में बात करने भी करते हैं, गूगल हैंगआउट का थ्रू में हम रिमोट सेंटर को कनेक्ट करते हैं, लाइव क्लास जैसे आपसे बात करते हैं, ऐसे लाइव क्लास कंडक्ट किया जाता है। क्योंकि दिस क्लास चंडीगढ़ इज ए प्लेस जहाँ सब अच्छे अच्छे कहीं भी फॉरेन से भी आप एक्सपर्ट ला सकते हैं, बट दे विल नॉट गो टू द रिमोट पार्ट ऑफ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, उत्तराखंड और UP दैट मैटर। बट कीपिंग दिस पीपल हियर वी मेक अदर्स टू इंटरैक्ट थ्रू ए गूगल हैंगआउट, जिसमें अदर एंड ऑफ द साइट यू नीड ओनली लैपटॉप, जिसमें कैमरा आज का दिन में आता है, इंटरनल माइक, उसका माइक जैसे काम करता है, एक LCD प्रोजेक्टर टू सी अस। सो दिस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में 256 KBPS बैंडविड्थ में हम पहुंच सकते हैं, जो आप नॉर्मली एक फोन का थ्रू में भी हॉटस्पॉट लगा के इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज वॉट द टेक्नोलॉजी विच इज गिवेन। देर आर मेनी स्टोरीज टू शेयर विथ यू, बट टूडे विल आर इन अ डिफरेंट फोरम। तो महानुभव मेरे साथ हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट दैट आप इनसे सुनिए। एंड मेरे चेयरमैन इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं, बिकॉज 10 साल से जुड़े हुए हैं,
एंड बाकी सहस्त्रपति साहब तो द अपेक्स बॉडी का चेयरमैन अपेक्स मेंबर ऑफ हेलम ऑफ अफेयर में है, जो टोटल कंट्री का टेक्नोलॉजी का पूरा सिस्टम उनका हाथ में ही कब्जा है. सो नाउ ही विल ऑल्सो टेल व्हाट इज हिज विजन. सो आज का दिन ये दोनों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है. सो आई विल रिक्वेस्ट नाउ डिलीवरी बिकॉज मेरा तो बहुत इनसे बहुत टेक्निकल एजुकेशन यू सी हैविंग स्पेंट टू इयर्स इन एमसीआईएलसी दैट इज नॉट इन रेगुलेटिंग इट्स ऑल्सो गाइडिंग बिकॉज रेगुलेशन इज वन एक्टिविटी बट दैट द इम्पोर्टेंट इज हाउ यू गाइड योर एजुकेशन बिकॉज how the youngster who go through these institutions when they come out how useful they feel themselves so that's very vital and I think you have a very unique opportunity he's here today try to I mean gain of this opportunity whatever you may have in your mind so I'm sure and I think whatever I see there's a vibrancy because our former director who was here he is also working with him he is so I think that's I'll say the technical education in the country has a huge opportunity sir I'll say yeah. The next I think we can guide shape things because that makes a lot of difference when you create system and the system has to be followed yeah first of all I compliment NITR Chandigarh for having completed 51 years in the service of the nation very very important and today they started a new program which is Tech Spardha for getting innovative projects from M.Tech students from all across the country and there are 14 teams who participated out of 28 who were shortlisted initially so this is a new beginning AICT has also started hackathon this is almost in the similar lines AICT has two versions, software hackathon and hardware hackathon. This is something similar to a hardware hackathon. Problem statements about challenges which our rural India is facing. If you get innovative solutions, some of them can be really be implemented so that life of our people in the brothers and sisters in villages can be made more comfortable. You know, that was the idea. I think I am thankful for initiating such programs. Today, technical education is in a way at crossroads because last 1.5 decades, हमारे number of colleges बहुत ज़्यादा हो गए और उसके वजह से number of seats बहुत vacant हो रही है बहुत सारे college uneconomical हो रहे economically viable नहीं हो रहे तो काफ़ी colleges अपने आप close करने के लिए आ रहे हैं तो ये एक बड़ा challenge है हमारे सामने दूसरा चैलेंज है जो जिस कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं सबको प्लेसमेंट कॉलेज से ही मिलना चाहिए ऐसी उम्मीद है लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती है दो कारण से एक तो कुछ स्टूडेंट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा अच्छा करना पड़ेगा वो एक साइड में है दूसरे साइड में बड़े बड़े कंपनियाँ जो है उनके यहाँ ऑटोमेशन ज़्यादा होने के वजह से नंबर ऑफ जॉब्स आर स्टैग्नेंट और इनफैक्ट रिड्यूसिंग रादर देन इंक्रीजिंग लार्जर इंडस्ट्रीज में देयरफॉर वी विल हैव टू लुक एट इट फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव नंबर वन हाउ इफ द कॉलेज इज नॉट एबल टू गेट स्टूडेंट्स इफ दे आर क्लोजिंग हाउ टू थ्री कॉलेजेस कैन शेयर रिसोर्सेज टुगेदर एंड कैन सर्वाइव इज वन पार्ट विच वी शुड लुक एट सेकेंड वन जहाँ कॉलेज में एडमिशन हो रहे हैं वहाँ अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन कैसे दिया जाए तो वहाँ सिलेबस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने के साथ साथ फैकल्टी के ट्रेनिंग हो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम हो स्टूडेंट को इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप करने से हो और सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग हो इन वैरायटी ऑफ वेज हाउ कैन वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स टू बिकम बेटर एम्प्लॉयबल इज़ वन पार्ट सारे स्टूडेंट को बेटर एम्प्लॉयबल करने से भी शायद इतने जॉब नहीं है तो दूसरा वर्क कल्चर उसमें भी कॉलेजेस में लाना चाहिए कि जहां स्टूडेंट्स को सपोर्ट सिस्टम देकर बहुत सारे स्टूडेंट्स रादर देन सीकिंग जॉब्स जॉब क्रिएटर्स होंगे स्टार्टअप चालू कर देंगे और एक एक स्टूडेंट यदि ग्रेजुएट होने के समय पे यदि अपना स्टार्टअप स्टार्ट करे और एक 8-10 स्टूडेंट को भी जॉब दिलवा सके तो मेरे ख्याल से एम्प्लॉयबिलिटी का जो इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा और उस दिशा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टार्टअप इंडिया
स्टैंड अप इंडिया तो मिशन है ही है। AICT ने अपनी खुद की एक स्टार्टअप पॉलिसी बनाई है जिसके जरिए हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अलॉन्ग विद देयर नॉर्मल कोर्सेस कम से कम 3-4 कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर होने चाहिए। हाउ आइडिया कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए प्रोडक्ट, हाउ वी शुड डू मार्केट सर्वे, हाउ वी शुड बी इन ए पोजिशन टू डू इनोवेशन इन द प्रोडक्ट सो दैट यू विल हैव ए USP ऑफ योर प्रोडक्ट, हाउ यू कैन इंटरेक्ट विद पब्लिक एंड नो गेट वॉट इज नीडेड बाई द पीपल हैव्स टू बी अंडरस्टूड एंड क्रिएटेड, ऐसे टाइप के। और वेयर द फाइनेंसिस आर अवेलेबल, हाउ डू वी डू बिजनेस प्लान, हाउ डू यू मेंटेन योर अकाउंट्स, ऐसे 4-5 कोर्स अलॉन्ग विथ योर नॉर्मल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ यदि उस 4 साल में स्टूडेंट करेंगे। और दूसरी तरफ राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर कॉलेज में जो लेबोरेटरीज वर्कशॉप है उनको 24/7 छात्रों के लिए ओपन किया जाए कि जिस वक्त आपको कोई नई आइडिया आती है तो आप बिना रोक ठोक अपना उस लेबोरेटरी में आके उसको एक्सपेरिमेंट कीजिए। सारे चीज़ सक्सेसफुल होते ऐसे नहीं है, एक बार फेल हो गया दूसरा ट्राई करो, तीसरे बार ट्राई करो, क्योंकि हम सबको पता है कि एडिसन ने 100 बार नहीं बहुत बार फेल होने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब आया और आज वो 10,000 था क्या 1,000 था पता नहीं है, लेकिन बहुत बार तो किया ये तो डेफिनेट है। तो ऐसे ही हमारे स्टूडेंट को स्टार्टअप कल्चर में लाना है और जितना हो सके उतना सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना है। अपने अपने कॉलेज में अपने अपने कॉलेज के स्टूडेंट को भी कर सकते हैं, आसपास के स्टूडेंट यदि उस कॉलेज में फैसिलिटी है आना चाहते हैं तो उनको छोटा सा चार्ज लगाकर फी लगाकर भी कर सकते हैं। तो हमको जितना हम हमारे छात्रों को प्रोत्साहन दे सकते हैं वो अच्छा है। ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमने जो 2 साल का एक्सपेरिमेंट किया स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के जरिए तो हमने देखा है कि स्टूडेंट में आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ बहुत है, बहुत ताकत है, हम उसको पहचान नहीं रहे थे। अब पिछले 2 साल में जो हमने उनको अपॉर्चुनिटी दी तो उस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए जो टॉप प्राइज विनर्स थे उनके जो सॉल्यूशंस थे उसको और भी रोबस्ट बना के उसको और भी फाइन ट्यूनिंग करके अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने उसको अडॉप्ट किया है। तो अभी ऐसे बहुत एग्जांपल है, एक सिंपल एग्जांपल बता दूँ, इसरो जैसा है। इसरो इज़ अ वेरी टॉप नॉच साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, बट वहाँ का उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि हमारे यहाँ यदि कोई कंप्यूटर में डेटा है वो कोई कॉपी करके ले जाएगा तो ये सिक्योरिटी थ्रेट है और ये कहीं भी कॉन्फिडेंशियलिटी भी लूज़ हो जाएगी। तो इसके लिए हमको हमारे कंप्यूटर में ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है कि जिसके जरिए कोई हमारा कॉपी कर नहीं सके, हमारे ही इसरो के सिस्टम में यूज़ करना है, बाहर जाके यूज़ करना नहीं पड़ेगा, करने से उसको नहीं होना चाहिए, कुछ करो। तो स्टूडेंट ने ऐसा एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो पेन ड्राइव उस कंप्यूटर में लगाने से आप कॉपी तो ज़रूर कर सकते हो, आपको लगता है कि मैंने कॉपी कर लिया, जाके दूसरे कंप्यूटर में जाके लगाओगे तो जो कॉपी किया था वो तो डिलीट हो गया ही, अपना पहले वाला जो है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो ऐसी मस्ती करने की कोई आगे बाद में नहीं आएगा। तो ऐसी छोटी सी कल्पना है लेकिन छात्रों के जरिए हुआ है। हम बोलते हैं कि फिजिकली चैलेंज्ड को जिनको दिव्यांग कहते हैं उनके लिए कुछ तो होना चाहिए। तो स्टूडेंट ने ऐसी एक 3-व्हीलर गाड़ी बनाई है तो उनको लिए तो ट्रांसपोर्ट तो होता ही है, तो साइड में एक सीट बनाई है उसमें लगेज लग सकते हैं या एक पैसेंजर को लेके वो जिसको फिजिकली चैलेंज है उसको ज़रूरत पड़ती है किसी और के गाड़ी में जाने की, वो खुद इनकम जनरेट कर सकता है, ऐसी गाड़ी स्टूडेंट्स ने बनाई है। अब देखिए ये छोटे छोटे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो ये जो स्टूडेंट में उनके अंदर में जो ताकत है उसको पहचानने का कार्य हमने शुरू किया है और यही आज इसमें जो आपने जो टेक्निकल स्टूडेंट को MTech स्टूडेंट को टेक स्पर्धा में दिया है उसी से आगे बढ़ते जाएगा। और ऐसे सारे इंस्टीट्यूशंस में सारे यूनिवर्सिटीज़ में इनोवेशन कल्चर हम शुरू करेंगे तो देश में से ऐसे 5 प्रोडक्ट यदि होंगे ना कि जो दुनिया हमारे पास से लेने के लिए आना पड़ेगा ऐसा हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। तो इतना मैं कह के अभी क्लोज करता हूँ, फ्लाइट का भी टाइम हो रहा है, लेकिन आपको क्विक एक दो क्वेश्चन है कुछ तो नहीं, हमारा कहना है कि जहाँ इंस्टीट्यूशंस कहीं भी दूर दराज जगह पे हैं तो उनके लिए ये स्वयं प्लेटफॉर्म जो निर्माण किया है आपने सुना होगा,
स्वयं इज ए MOOCs प्लेटफॉर्म, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज। तो आपके पास यदि मिनिमम इंटरनेट बैंडविड्थ है या आपके पास मोबाइल है जिसमें वो वाईफाई कनेक्टिविटी है, ज़्यादा नहीं चाहिए, स्मॉल स्केल भी थोड़ा सा भी स्पीड है, तो आप इस स्वयं से जिसमें 1500 से भी ऊपर कोर्स आज के दिन हैं और वे धीरे धीरे बढ़ते हुए, हमारा टारगेट है 10,000 करने का। तो जो अच्छे प्रोफेसर देश में हैं वो कहीं भी हो, उनके कोर्स को हम सारे स्टूडेंट्स को देने की सुविधा कर रहे हैं, वो ऑनलाइन कर सकते हैं। और UGC और AICT हैज़ ऑलरेडी डन रेगुलेशन दैट अपने अपने यूनिवर्सिटी के करिकुलम में से 20% ऑफ द कोर्सेस आप इस माध्यम से ले सकते हैं। तो जैसे आपने कहा दूर में है, वहाँ एक लड़के को अच्छा कोई इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर, स्मार्ट लर्निंग के ऊपर कोई कोर्स करना है, वहाँ कोई फैकल्टी नहीं है, तो इस माध्यम से वो पढ़ सकता है और अपने डिग्री सर्टिफिकेट में भी उसको ला सकता है। रेगुलर माना जाएगा 20% ऑफ द कोर्स, बाकी कोर्स वो अपने अपने जगह में करेगा, कॉलेज में जाएगा, अपने अपने करेगा, बाकी 20% ट्यूशन नहीं है, ये प्रॉपर कोर्स है, इसमें एग्जाम होगा, उसको डिग्री के सर्टिफिकेट में, इसको मार्कशीट होता है, मार्कशीट में अलग अलग विषय के कितने मार्क्स हुए लिखते हैं, तो 80% कोर्स के उसी यूनिवर्सिटी उसी कॉलेज के कोर्स का आएगा और बाकी 20% दूसरे किसी भी IIT के प्रोफेसर या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर का कोर्स मेरे मार्कशीट में आएगा और उसको लिखा जाएगा इस यूनिवर्सिटी का कोर्स भी मैंने किया है और उसका क्रेडिट मिल जाएगा। मोबाइल में सिर्फ सीख सकता है, एग्जामिनेशन के लिए उसको एग्जाम तो देना पड़ेगा, एग्जाम के बिना नहीं मिलने वाला है।